क्या तू है मेरी किरण कभी जूही चावला के लिए नहीं बल्कि किसी और अभिनेत्री को ध्यान में रख के लिया गया था। फिल्म में आई लव यू किरण कभी शाहरुख खान के लिए नहीं बल्कि कौन सी यंग स्टार के लिए लिखा गया था ये डायलॉग। ऐसी कुछ अनसुनी बातें डर फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, मगर सबसे पहले हम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1989 में यश चोपड़ा की क्लासिक फिल्म चांदनी की इस फिल्म गोल्डन जुबली हुई थी। यश चोपड़ा का करियर जब कुछ फिल्मों के बाद डूब रहा था, तब इसी फिल्म ने इस लेजेंडरी डायरेक्टर का करियर को बचाया ही नहीं बल्कि उनको फिर से हर एक्टर का ड्रीम डायरेक्टर बना दिया। फिल्म की तारीफ उसके गानों और खूबसूरत लोकेशंस के साथ साथ फिल्म के हीरोइन से जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था उसके लिए की गई है। श्रीदेवी के व्हाइट कलर के कुर्ते इतने हिट हुए थे कि देश भर में चांदनी लुक के नाम पे उस तरह के व्हाइट सलवार कमीज बिकने लगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ये चांदनी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो बात ये फिल्म जितनी लेजेंडरी किससे उतने ही अनसुने, मगर उसके साथ साथ इसके फिल्म डर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इस फिल्म के बाद यश चोपड़ा ने श्रीदेवी के साथ फिल्म लम्हे की जो शायद चली नहीं मगर क्रिटिक्स ने बेहद प्यार किया था। फिर यश चोपड़ा ने सोचा कि ऑब्सेसिव लवर के ऊपर फिल्म बनानी है, तभी वो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी के पास पहुंची। तब श्रीदेवी बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल्स करती थी, कभी भी वह वैसी फिल्में नहीं करती थी जहां उनका किरदार हीरो की वजह से छिप जाता हो। ऐसे में उनका लगा कि फिल्म डर में सबसे ज्यादा मसाला एंटी हीरो का है। उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि अगर उनको ऑब्सेसिव लवर का पार्ट कैसे भी मिल जाता है तो वो भी फिल्म करेंगी, मगर वैसे में फिल्म की कहानी पूरी पलट जाती है। तब श्रीदेवी से निराश यश चोपड़ा उस वक्त की दूसरी बड़ी हीरोइन माधुरी के पास जा पहुंचे और एड्स इशू की वजह से वहां भी मामला कुछ जमा नहीं। फिर यश चोपड़ा जहां पहुंचे फिल्म के फाइनल हीरोइन जूही चावला के पास। जूही चावला जिन्होंने चांदनी में कैमियो किया हुआ है, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यश चोपड़ा उन्हें लीड रोल दे रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने तक जहां शक था कि वही हीरोइन है, बाकी तो इतिहास है कि कैसे जादू तेरी नजर से तुरंत मान गया और जूही का हंसता खिलता चेहरा नजर आता है। उस वक्त यंग एक्ट्रेस में आमिर खान के अभिनेता की बहुत प्रशंसा हुआ करती थी, ऐसे में उनके चार्म को एक अलग तरह से इस्तेमाल करने के लिए एंटी हीरो के रोल के लिए यश जी जहां पहुंचे उनके पास, मगर उन्होंने रोल करने से कर दिया साफ इनका। फिर सलमान खान को भी ऑफर की गई, मगर सलमान भी अपने लवर बॉय इमेज को खराब नहीं करना चाहते थे। तब ही एक नया नौजवान उभरता इंडस्ट्री में एक एंटी हीरो के किरदार में, फिर बाजीगर में उसे वो रोल दिया जिसको कई बड़े हीरोज ने माना मना कर दिया। उस पर नजर पड़ी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा की, जो फिल्म के राइटर थे। वो आज जा पहुंचे पिताजी के पास शाहरुख खान का नाम लेकर। बहुत रेजिस्टेंस के बाद यश चोपड़ा ने शाहरुख खान को चांस दे दिया और फिर उसके बाद उनको कभी लौटने का नहीं कहा। आज भी लोग जब एसआरके की मिमिक्री करते हैं तो किरण उसमें जरूर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के हीरो सनी देओल ने इस फिल्म के बाद ठान लिया कि वो कभी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। दरअसल असली स्क्रिप्ट के अनुसार एसआरके का रोल बहुत कमजोर होता है और दिमागी तौर पर बीमार होता है, और ऐसे में सनी उन्हें आराम से हरा देता है, मगर शूटिंग के वक्त सनी को पता चलता है कि फिल्म में विलन को हीरो पर हमला करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं जो सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उन्होंने ठान लिया कि वो कभी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। 2 में एसआरके का रोल तो नहीं होगा क्योंकि वो पहली फिल्म में मर चुका है, फिर सनी देओल तो कभी यश राज के साथ काम करेंगे नहीं। ऐसे में आप बताइए किस फिल्म में किसे देखना आप पसंद करेंगे, रणवीर दीपिका या फिर दीपिका रणवीर, विक्की कायरा? और आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तब तक हम लेकर आएंगे एक और नई वीडियो के साथ इसी ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए नए नए अपडेट्स पाने के लिए। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ दास ने।